बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होने जा रहा है, और हमारे विभाग में और एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा फिल्म एंड टेलीविज़न करके, जिसमें वीडियोग्राफी और फिल्म बनाने की विधा जो होती है उसमें बच्चे सीखते हैं। मैं यानी कि मास्टर ऑफ डिग्री वो उसमें सभी में जो एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन से कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं, कौन कौन से चैनल्स में गए हैं, कितनी सफलता मिली अभी तक विभाग को? कि पढ़ाई पूरी नहीं होती लेकिन वो यूट्यूब पे काम करते हैं, तो कितना ज़रूरी है आज के समय मास कम्युनिकेशन? नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया। आज हम जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। आज की हमारी खास मुलाकात जनसंचार विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बलराम बिंद के साथ है। उनसे जानेंगे जनसंचार विभाग के बारे में और जो कोर्सेज चले हुए हैं, कब एडमिशन होंगे और अन्य जो जानकारी है मास कम्युनिकेशन के बारे में, वो भी उनसे लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। अभी जैसे सर एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, कब एडमिशन होंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी? एडमिशन इस बार की जो प्रक्रिया है एमजेएमसी में, तो जो एंट्रेंस टेस्ट है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इस बार जो है एडमिशन शुरू होगा, और इसके बाद से इस बार नए कोर्स में जो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होने जा रहा है, और हमारे विभाग में और एक डिप्लोमा है एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा फिल्म एंड टेलीविज़न करके, जिसमें वीडियोग्राफी और फिल्म बनाने की विधा जो होती है उसमें बच्चे सीखते हैं। अब हम बात करें अगर तो एडमिशन की प्रक्रिया जो है संभवतः 1 जून से जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जो है फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू हो जाएगा। अब की बार सुनने में आ रहा है एंट्रेंस लिए जाएंगे, पिछली बार एंट्रेंस नहीं लिए गए थे, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी उनकी? इस बार जो है मास कम्युनिकेशन में यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, जो यूटीडी के कोर्सेज हैं, मास कम्युनिकेशन हो चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कॉमर्स हो, या लगभग जितने भी यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं एमए यानी कि मास्टर ऑफ डिग्री, वो उसमें सभी में जो एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन शुरू होगा, न कि मेरिट बेस पे। तो इसे जो है किसी छात्रों को कम नंबर आते थे और वो इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता था, इस प्रवेश प्रक्रिया के होने के कारण पारदर्शिता आएगी, जिससे जो जिसकी योग्यता होगी उसका एडमिशन होगा और अपनी जो एजुकेशन लेना चाहता है आसानी से उसको एजुकेशन ले सकता है। सर जैसे बीएमसी है, बीएमसी कितने साल की रहेगी और जो एमए है 2 साल की होती है, तो कितना पीरियड रहेगा इन दोनों का? देखिए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो कोर्स शुरू होने जा रहा है ये मूलतः जो है 4 ईयर कोर्सेज है। ये जो है एनएपी जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो एनएपी 2020 की जो 2020 का जो नियम के तहत जो शिक्षा नीति में बदलाव आया है उसी के तहत एडमिशन होगा। तो ये 4 ईयर्स कोर्स है। 4 ईयर कोर्स से ये फ़ायदा है कि पहले तो हम सर्टिफिकेट, 1 साल अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी, फिर दूसरे साल अगर मान लीजिए कि इनकेस छोड़ता है तो उसको एडवांस डिग्री दी जाएगी, और तीसरे साल में उसको डिग्री दी जाएगी, और चौथे साल में एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट कराया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो है जो मास कम्युनिकेशन का 2 वर्ष का कोर्स है वो 1 साल का हो जाएगा। तो डायरेक्ट उसको 2 साल ना करते हुए उसको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जिससे उसको बेनिफिट इस तरह से जो है उसको बेनिफिट एडमिशन की प्रक्रिया में जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। और जो बैचलर की जो एडमिशन प्रक्रिया है मूलतः मेरिट बेस पे ही होगी, और जो एमए की डिग्री है उसमें प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन होगा। जैसे कि सर 2014 से यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, बीएमसी अभी तक इस यूनिवर्सिटी में नहीं थी, ओनली मास कम्युनिकेशन थी एमए, तो अभी तक क्या रहा है जो विभाग से, कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं, कौन कौन से चैनल्स में गए हैं, कितनी सफलता मिली अभी तक विभाग को? देखिए, शुरुआती दौर में जब से ये कोर्सेज शुरू हुआ है, मूलतः तो ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण ये है कि आप मीडिया इंडस्ट्री या सरकारी इंस्टीट्यूशन में लगभग यहाँ से बच्चे जो पढ़े हैं लगभग प्लेसमेंट है वो आप देखेंगे तो हमारे जो मास कम्युनिकेशन में जो नेट क्वालिफाई करके हैं बच्चे, उनकी कहीं ना कहीं सर्विस तो ऐसे ही लग चुकी है। और दूसरी जो अगर हम अपने बात करें कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वीरेंद्र कुमार हैं जो जाने माने या देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकारों में जो है उनका नाम आता है, साथ ही कई ऐसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला और
पंजाब केसरी में जो है अभी फ़िलहाल में जो पास आउट हुए हैं जो है अमनदीप पिलानिया हैं, साथ में जो है हमारे राकेश जी जो एज ए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के रूप में अभी जो शुरू भी कर रहे हैं, और एज ए जो है प्लेसमेंट के साथ साथ उनकी जो है कंपनी भी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो जो है विपिन कुमार ठाकुर जो है दैनिक भास्कर में, पंकज कुमार जो है दैनिक भास्कर में, तो जो जो जिस जितने भी बच्चे हैं लगभग वेल प्लेस्ड है, और आज तक जो भी पास आउट हुआ है अगर मीडिया में अगर रुचि रखा है तो सभी का जॉब प्लेसमेंट हुआ है। जैसे सर मास कम्युनिकेशन बच्चे करते हैं तो वो सोचते हैं कि मीडिया विभाग से ज़्यादातर ये कोर्स है, तो कौन कौन से रोज़गार के साधन उनको मिल सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में उनको रोज़गार मिल सकते हैं अगर ये मास कम्युनिकेशन करते हैं तो बच्चे? देखिए मास कम्युनिकेशन अगर छात्र करता है तो ये एज ए आज की ज़रूरत है। अगर मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो आज की ज़रूरत है। कारण ये है कि मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर क्षेत्र में हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट कंपनी हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री में भी स्कोप है। देन जो है अगर हम इसको देखें तो चार भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है और ग्राफिक डिज़ाइन है। ये चार इसके जो है पॉइंट है, तो चारों पॉइंट में जो है चारों जगह पे जो है वेल प्लेस्ड जो है जो भी छात्र है एज ए उनकी नियुक्ति हो जाती है। मतलब कि अगर ये बच्चा अगर इसमें भी नहीं चाहता है तो अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाहें तो एज ए कंप्यूटर एज ए जो है अपना कैमरा लेकर के, आज के डेट में देख रहे हैं कि अगर शादी का जो एक सीजन जो चल रहा है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है 50,000 लाख रुपये तक डिमांड, जिसकी जितनी जो है प्रोफेशनल है उतने उसकी डिमांडेड है। अगर एक बच्चा अच्छी तरह से अगर वीडियोग्राफी जानता है तो एज ए फिल्म इंडस्ट्री में जाए तो अच्छा पैकेज मिलता है। तो इस तरह से कई बच्चे या हमारे जो छात्र हैं इसे सीख करके इस विधा को जो है अपने कैरियर अपना प्रोफेशनल के साथ साथ जो है अपनी नौकरी भी कहीं कर सकते हैं। सर जैसे कि आज हम हरियाणा की बात करें, कोरोना काल के बाद हरियाणा में जैसे किसान आंदोलन भी चला था साथ में, यहाँ पर ज़्यादातर यूट्यूब पे ज़्यादा लोग आ गए हैं, वीडियो डालते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड डालते हैं या कह सकते हैं इंटरव्यू वगैरह डालते हैं, तो मास कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है उनके लिए? जैसे ज़्यादातर बच्चों से बात करते हैं, अनक्वालिफाई मिलते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती लेकिन वो यूट्यूब पर काम करते हैं, तो कितना ज़रूरी है आज के समय मास कम्युनिकेशन? देखिए आज के समय में मास कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये वो यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, चूँकि यूट्यूब लॉन्च हो चुका है तो यूट्यूबर कोई भी बन सकता है उसमें, चूँकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है जिसके कारण कोई भी यूट्यूब अपना चला सकता है, न्यूज़ चलाए या कोई भी अपना चला सकता है। लेकिन एज ए मास कम्युनिकेशन इसलिए करना ज़रूरी है कि हम जो है जो नियम कानून आप देखे होंगे कि कई ऐसे पत्रकार जो यूट्यूबर बन करके जो सामने वाला पर्सनालिटी है ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि वो उस पर चाहे तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है मानहानि का मुकदमा दायर कर देता है और उसको कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया की दिक्कत झेलना पड़ता है। अगर वो मास कम्युनिकेशन किया रहेगा तो ये मानहानि का मुकदमा हुआ या न्यायालय अवमानना की अवधारणा हुआ या जो भी कॉपीराइट का मामला है, लगभग उसको ये बातें जो है समझ में आ जाती है और उसी के आधार पर अपनी बातों को रखता है और उसे कोई किसी प्रकार की दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है जो वेल क्वालिफाई पत्रकार है। और जो नॉन वेल क्वालिफाई पत्रकार है उसको ये पते नहीं है कि किसी व्यक्ति की क्या पूछना है, क्या कहना है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं वो जो है समाज में कहीं पीटा भी जाता है और जो वास्तव में पत्रकार है वो भी बदनाम होता है कि ये देखो पत्रकार पीटा गया। इसका रीज़न है कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है जिसका कारण जो है वो पत्रकार पीटा जाता है और बदनाम जो है वेल क्वालिफाई जो है पत्रकार होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी यूट्यूबर बने तो पढ़ने की कोशिश करे। मास कम्युनिकेशन पढ़ने से किसी की पर्सनालिटी की किसी की मानहानि के मुकदमा दायर होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। सर जैसे कि मास कम्युनिकेशन की बात करें, किसान आंदोलन चला हरियाणा में चला, उत्तर भारत की बात करें, जैसे मीडिया की बात करें, मेनस्ट्रीम मीडिया का जो प्रभाव है जनता के बीच में बहुत कम हुआ है। जो यूट्यूब चलाते हैं, न्यूज़ डालते हैं, कहीं ना उन्होंने जनता का दिल जीतने का काम किया है और जो मेनस्ट्रीम है कहीं ना कहीं अपनी जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं उनको खोने का काम किया और जनता के बीच जो प्रभाव मीडिया का पहले होता था अब कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए मेन चीज़ है कि जब कॉरपोरेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट देखता है। तो जितनी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है कहीं ना कॉरपोरेट घराने की है, ठीक है, चाहे बड़ी बड़ी जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उसी से संचालित होती है। तो जब कॉरपोरेट घरानों से जब संचालित होगा तो वो जो हम चौथा स्तंभ की बात करते हैं कि मीडिया चौथे स्तंभ की जो है रक्षा करने के काम करती है, समाज की आवाज़ उठाने के काम करती है, तो वो अब वो मेन स्ट्रीम में वो चीज़ें नहीं रह गई है। अब वहाँ पर जो यूट्यूबर हैं जो मेन स्ट्रीम की जो बातें हैं वो सिर्फ जो है अपनी बेनिफिट की बात देखता है, लेकिन जो एक यूट्यूबर है जिसको हम वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, वैकल्पिक मीडिया यानी कि नागरिकता नागरिक पत्रकारिता के रूप में आप देख सकते हैं कि जो एक आम जनता की आवाज़ जो है यूट्यूबर उठाने के काम किए हैं, और किसानों की आवाज़ हो या आम जनता की आवाज़ हो या किसी तरह की समस्याएं हैं जो यूट्यूबरों ने जो है कहीं ना कहीं जो शिक्षित प्रतिशिक्षित जो यूट्यूबर हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है समाज के बीच में लाने का काम किया, और उसे समाज आज के डेट में मेन स्ट्रीम की मीडिया से कहीं ना कहीं यूट्यूबरों को जो है ज़्यादा महत्व देने लगा, ताकि ये हमारी समाज की समस्याओं को उठाने का काम कर रहा है। इसलिए आज यूट्यूबरों का जो है ज़्यादा एज ए सामाजिक रूप से जो है जो एक गाँव में या आस पास की मीडिया में जो है महत्व को जो है बढ़ चुका है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बालाराम बिंद। इन्होंने बताया जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, जो आज के समय में हरियाणा भर कहें लगभग देश में यूट्यूब बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल से अपने कंटेंट डाल रहे हैं, न्यूज़ का कंटेंट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन ज़रूरी है। कानून नियम सबको पता होना चाहिए कि क्या नियम है पत्रकारिता के, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। साथ में इन्होंने बताया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज कहीं ना कहीं धरातल से अपना जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है, उनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है। इन्होंने मीडिया के बारे में भी बताया, अन्य चर्चाएं आज मीडिया के बारे में हमसे की, और साथ में इन्होंने बताया जीन यूनिवर्सिटी में बीएमसी कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जो 4 साल का होगा, और उसके बाद 1 साल की एमए होगी। इन्होंने विस्तार में पूरी जानकारी के साथ हमसे बात की। साथ में इन्होंने बताया कि 1 जून से एडमिशन की शुरुआत होने जा रही है, इंट्रेंस अब की बार यूनिवर्सिटी ले रही है और उसके बाद एडमिशन लिया जाएगा। सारी जानकारी के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर बालाराम सर ने बात की है और विस्तार से पत्रकारिता के बारे में बताया है। जिन से अपने सहयोगी के साथ मैं मनदीप पिलानिया।